विश्वास दिलाना चाहूंगा, मैंने कंपेनिंग के टाइम पर इस बात को कहा था कि ये दरवाजे 24 घंटे आप लोगों के लिए यहाँ पे खुले रहेंगे। इलेक्शन कैंपेन में कहा था, आज मैं डोडा वेस्ट का विधायक एमएलए आपकी बदौलत बना हूँ। मैं कहता हूँ कि इस घर के दरवाजे आप सबके लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे, कुछ गद्दारियों ने यहाँ बड़े प्रोपेगेंडे किए, बड़ी जात पात में बांटने की कोशिश की, उनका हशर खराब होने वाला है। कुछ लोग तो जिनको दस्ता सफाए रहे हैं वो अपनी तैयारी पीएसए के लिए शुरू कर सकते हैं। बांटा जाएगा, वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होगी, और यहाँ पे कोई राजपूत ब्राह्मण की बात करे, राजपूत एसिस की बात करे, हम लानत मारते हैं ऐसी शासक को। 2014 में इस बात को कहा था कि हमने अपने भाईचारे को यहाँ पे मजबूत करना है और डेवलपमेंट की राजनीति करनी है, विकास की राजनीति हमने करनी है। चाहे जैसा हो, वो चाहे भागवा हो, चाहे काशीगढ़ हो, चाहे जोधपुर का लाता है, चाहे शहर में कराता है, मरवत का लाता हो या असर का लाता हो, शक्ति पर हर आपके साथ खड़ा रहता है। कोशिश यहाँ पे होती रही, टोडा में कोशिश होती रही, इनको किसी और लगता, सिर्फ कहते शक्ति बढ़ा करो, कोई बात बाकी कोई नहीं। इतनी पब्लिक साथ में हो और ये जोश और जुनून ये बताता है कि आपके अंदर के जज्बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और खासकर शक्ति परिहार के प्रति है, लीडर की सही मालूम में ये कमाई होती है, ये कमाई हम लगातार 2012 से 2024 से लगातार लोगों के बीच में रहे, लेकिन कुछ लोग 15 दिन पहले आते हैं राजनीति करने, एक महीना पहले आते हैं और जात पात की बात करते हैं, वो सैटरडे संडे वाली राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली है। तुम अपनी नौकरी भी करोगे और राजनीति भी करोगे, वो नहीं होने वाला। बता रहा हूँ वो जो कई कांग्रेस अपोजिशन के लोग हैं, उनको भी मजबूरन इसी दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा। वो जब मरने वाले थे वो काम निकल जाएंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे, लेकिन यहाँ को बंद और खतर करके रखेंगे, उनको भी वही दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने अपने भाईचारे को मजबूत रखना है, इस जात पात की राजनीति को खत्म करना है, ध्वस्त करना है, हमने यहाँ विकास की बात करनी है, विकास की बात करनी है, और जो मोदी सरकार ने यहाँ पे काम किए हैं उनको और तेज गति से यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। एक बार बार देना चाहूंगा, जो कांग्रेस ही कह रहे थे कि हरियाणा में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की